आपकी तरफ से, मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन आख्या की अटाके देखो रजाड़े, इन आख्या की अटाके देखो रजाड़े, हरियाणा सरकार ने पार दिए चाड़े, सरकारी स्कूलों पर ला दिए ताले, इतना मजबूर क्यों करे है ये गरीब के बालकों ने पढ़ाई से दूर क्यों करे है। मास्टर पूरे नहीं, बिल्डिंग टूटी पड़ी थी, खा रखा था नाश, ये भी 140 भी लाकर तोड़ दी आखिरी आस, पूछो रे सवाल क्यों बढ़ के बैठे हो लाश, ये नन्ही आंखों के सपने चूर क्यों करे हैं, ये गरीब के बालका ने पढ़ाई से दूर क्यों करे हैं। इन बेरा है जे गरीब पढ़ गया तो समझदार हो जाएगा, इन बेरा है जे गरीब पढ़ गया तो समझदार हो जाएगा, इनके राजनीतिक बहकावे से बाहर हो जाएगा, इब्बी जाग जाओ कि मैं सुधार हो जाएगा, ना बोलने का लोग कसूर क्यों करे हैं, ये गरीब के बालक ने पढ़ाई तो दूर क्यों करे हैं, ये सवाल हर माँ बाप को, हर परिवार को सरकार से पूछना चाहिए, इस सवाल की जरूरत है। और अब मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, सन 1998 की मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं, जब अरविंद केजरीवाल जी परिवर्तन नाम से एक एनजीओ चला रहे थे, 1998 जब उसकी शुरुआत की थी, तब एक पत्रकार ने उस एनजीओ की शुरुआत को कवर किया था और उनसे प्रभावित होकर, उस पत्रकार से प्रभावित होकर अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी उस पत्रकार के घर मिलने गए थे, और वो पत्रकार आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे साथी बनकर सारथी बनके, आप सबको मालूम है महाभारत की लड़ाई बेशक अर्जुन ने लड़ी थी, लेकिन श्री कृष्ण का क्या योगदान था ये आप सबको पता है, वही श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले 22 फरवरी 1972 को हापुड़ उत्तर प्रदेश में जन्मे, और आपको बता दूं वहां पे गंगा बहुत होता है इसलिए इनके स्वभाव में मिठास भी बहुत है, उस धरती पे जन्मे और देश को दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भगवान बन के आने वाले, लोग कहते हैं ना भगवान किसने देखा, भगवान दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने देखा, सरकारी स्कूल के बच्चों के माँ बाप ने देखा, उसी भगवान को, शिक्षा जगत की नई क्रांति को दिल्ली